डियर ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম প্রতিদিনের মতো আজকে হাজির হলাম আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে সেই ভিডিওটা হচ্ছে যে আসলে স্প্লিট টাইপের যে এয়ার কন্ডিশনার অর্থাৎ এয়ার কন্ডিশনার যে ফার্স প্লাস্টিক ফার্স আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে আসলে স্টেপ বাই স্টেপ বিভিন্ন প্লাস্টিক ফার্স কিভাবে তৈরি হয় সেটা দেখাবো তো আমি অ্যাসিড পরিপূর্ণ অনেকগুলো ফার্স দেখাবো আপনাদেরকে যে আসলে কিভাবে তৈরি হয় এবং কিভাবে সেগুলা অ্যাসেম্বল করা হয় प्लास्टिक बेस बेस प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन माध्यम विभिन्न प्लास्टिक पार्ट तैरि है ब्लोअर मशीन तैरि वेल्डिंग कैकटा ब्लोअर जोड़ा देवा বন্ধুরা এটা হচ্ছে আসলে ব্যালেন্সিং মেশিন অর্থাৎ ব্লোয়ার ব্যালেন্সিং মেশিন
ब्लोअर आसले मेशिन माध्यम बैलेंस करा आसले जे डिग्री आछे कोण आछे अर्थात कत एंगेले कत मेटेरियल आछे सेटा देखा। तो बंधुरा अपना देखल ब्लोअर तैरि करते हैं मूलत देखी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिन और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेशिन और लास्ट मेशिन देखिए बैलेंसिंग मेशिन बोला अर्थात ब्लोअर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमें कि ब्लोअर तैरि कर मेशिन थे प्रथम हुईल हुईल बैर कर पार्ट जोड़ा दीसि जोड़ा देवर पर आसले कौ की इनबैलेंस आना जो से रोटेट है रोटेट हार पर दुई पास की समान मैटरियल आना जो मैटरियल ना थे तक क्योंकि एंगेल शो कर डिग्री एंगेले एत मैटरियल कम हो तक क्योंकि एक मैसेज मेटल थे आयरन मेटल वो मेटल दिए ब्लोअर एडजस्ट करते हैं प्लास्टिक व्यवहार तो वही मेजारमेंट देखो कैलकुलेशन कत स्कोर दिखे कत कत टन एयर कंडिशनर बसा देना की सम्पूर्ण एयर कंडिशनर नहीं टोटाल एक इस्टिमेट दीब तर परवर्ती एयर रेफ्रिजरेटर नहीं आलोचना करब। तो बंधुरा आज के मतलब असलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।